दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जो हमें पूरी तरह चौंका देती हैं, जिनके बारे में जानकर हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया की 5 सबसे खतरनाक जगहों के बारे में, जहां जाने का मतलब है अपनी मौत को गले लगाना। और लोग इन जगहों की तुलना नर्क से भी करते हैं। वैसे तो दुनिया में बहुत सारी जगहें हैं जहां जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि इन जगहों पर जाने के बाद इंसान के वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप एडवेंचर, मिस्टीरियस, हॉरर, साइंस एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। माउंट वाशिंगटन। जी हाँ, माउंट वाशिंगटन, जो कि देखने में तो किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता, लेकिन ये दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। और जो इस स्वर्ग जैसी दिखने वाली जगह को खतरनाक बनाता है वो है यहाँ का मौसम। जी हाँ, यहाँ पर रहना तो दूर की बात, आप यहाँ पर ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते। इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ इतनी कड़ाके की ठंड में इतनी ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं कि एक व्यक्ति सीधे से खड़े भी नहीं रह सकता। और बर्फबारी तो यहाँ पर साल भर होती रहती है। शायद यह देखकर आपको यहाँ पर चलने वाली हवाओं का अंदाजा हो गया होगा। वैसे ठंड को छोड़कर यहाँ के ये पहाड़, ये वादियाँ, ये तेज चलती हवाएं और यहाँ पर हमेशा होती ये बर्फबारी, ये खूबसूरत नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। वैसे यहाँ पर जो सबसे ज्यादा तेज चलने वाली हवाएं रिकॉर्ड की जा चुकी हैं, वो है 327 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं, जो कि सन 1934 में रिकॉर्ड की गई थी। और शायद आपको पता ना हो कि यहाँ पर लोग भी रहते हैं, लेकिन आम लोग नहीं बल्कि रिसर्च करने वाले लोग, यानी के साइंटिस्ट। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो उनके कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं वो भी जमीन से दूसरी तरीकों से वायरों से बंधे हुए हैं ताकि वो उड़ ना जाएं। यहाँ के जो पहाड़ हैं वो बहुत ही ऊंचे ऊंचे हैं और लोगों का ऐसा मानना है कि माउंट वाशिंगटन पर चढ़ना एवरेस्ट फतेह करने के बराबर है। क्विकसैंड, ग्रेट ब्रिटेन। दोस्तों अब मैं जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो दुनिया के किसी भी जगह को जानलेवा ट्रैप बना सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ क्विक सैंड की, जिसमें से निकलना बहुत ही कठिन होता है और अगर आप इसमें गिर गए तो समझ लीजिए आपका अंत आ चुका है। इसकी परेशानी ये है कि ये बिल्कुल भी वजन नहीं झेल सकती और किसी भी चीज को निगल लेती है, चाहे वो जिंदा हो या फिर मुर्दा, उसे तो सिर्फ वजन से मतलब है। और इस जगह पर हम ये गलती करते हैं कि हम इसे पहचानने में भूल कर देते हैं। हम इसे दूसरी सैंड से कंपेयर करके पहचान नहीं सकते। ग्रेट ब्रिटेन के समुद्री किनारे पर बसे इस गांव में आपको क्विक सैंड मिल जाएगी। ये क्विक सैंड समुद्र के किनारों पर होती है और अगर कोई इंसान क्विक सैंड में फंस जाए तो उसे ऐसा लगता है मानो उसके शरीर पर कंक्रीट जम गई हो और ये हमारी शरीर पर इतना प्रेशर डालती है कि 10 से 15 मिनट में ही खून के बहाव को रोक सकती है। ये हमारे सीने पर जम कर सांसों को भी रोक सकती है। अगर कोई व्यक्ति क्विकसैंड में फंस जाए तो उसके लिए एक अलग से रेस्क्यू टीम होती है जो उन्हें अपने स्पेशल इक्विपमेंट की मदद से लगभग 10 मिनट में बचा लेती है। दोस्तों अगर आप कभी ऐसी खतरनाक जगहों पर जाएं तो उस क्षेत्र के किसी जानकार व्यक्ति की मदद जरूर लें। ओमियाकॉन, रशिया। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुनिया का सबसे सर्द गांव, जहां जिस्म गल जाता है, खून जम जाता है, रूह कांप उठती है और सांसें अटक जाती हैं। लेकिन फिर भी यहां बसता है इंसान। 5 डिग्री पर जहां दिल्ली कांपने लगती है, -3 डिग्री पर मनाली जम जाता है, 6 डिग्री का पारा पूरे उत्तर भारत में कहर बरसा देता है। ऐसे में जरा सोचिए जहां पारा -71 डिग्री हो वहां की हालत कैसी होगी। यहां पर दूर दूर तक मिट्टी नहीं दिखती, आप जहां तक देख पाएंगे वहां तक सिर्फ सफेद बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। अगर आप मोबाइल के शौकीन हैं तो आपको बता दूं यहां पर मोबाइल काम नहीं करता। गांव में बर्फ इस कदर जमा होती है कि मोबाइल फोन तक काम करना बंद
कर देता है, यहाँ तक कि बैटरी का पावर तुरंत खत्म हो जाता है। यहाँ प्लेन कभी लैंड नहीं करता। बेहद ठंड और बर्फबारी की वजह से इस गांव में प्लेन कभी लैंड नहीं करता और गाड़ियों को बंद नहीं करते, क्योंकि अगर एक बार बंद हो गई तो इतनी ठंड में वो दोबारा चालू ही नहीं होती। ये गांव रूस ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक है। यहाँ पर पूरे साल बर्फबारी होती है और टेम्परेचर लगभग -50 के आसपास हमेशा बना रहता है, लेकिन कभी कभार यहाँ का टेम्परेचर -71 डिग्री पर भी चला जाता है। हमारे नॉर्मल कोट या फिर जैकेट यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, बल्कि ज्यादातर चीजें यहाँ पर जम जाती हैं, यहाँ तक कि आंखों की पलकें भी जम जाती हैं। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग साल भर काम करते हैं और इस मौसम को एंजॉय भी करते हैं, लेकिन सिर्फ यहीं के लोग, क्योंकि इतनी ज्यादा जमा देने वाली सर्दी में आम इंसान यहाँ सर्वाइव बिल्कुल भी नहीं कर सकता, जब तक कि वो इसी प्लेस या फिर इसके सिमिलर प्लेस में ना रहा हो। डानाकिल डेजर्ट, ये एक बहुत ही खतरनाक जगह है, लेकिन फिर भी हर साल हजारों की तादाद में सैलानी इस डेजर्ट को देखने के लिए आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत ही अजीबोगरीब दिखता है। ये दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक और नर्क जैसी दिखने वाली जगहों में से एक है। शायद आप और हम तो इस जगहों पर नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन एडवेंचर के शौकीन लोग यहाँ हर साल आते हैं। यहाँ पूरे इलाके में कई जिंदा ज्वालामुखी हैं, जो आग और राख उगलते रहते हैं, क्योंकि यहाँ धरती के अंदर आग लगी हुई है। इसलिए डानाकिल डेजर्ट में गर्म पानी के कई झरने हैं और पानी बाहर आते ही भयंकर गर्मी के कारण सूख जाता है। इसलिए इस इलाके में नमक की कई खदाने हैं और सल्फर पॉन्ड्स भी हैं। यहाँ की कंडीशन ऐसी है जहाँ कोई भी व्यक्ति या जानवर जिंदा नहीं रह सकता। ये इलाका पूरी तरह बंजर है। यहाँ गर्मी इतनी ज्यादा कि कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ तक कि ऐसे जानवर जो गर्म इलाकों में रहते हैं वो भी यहाँ नहीं जी सकते, क्योंकि यहाँ लगातार जमीन में से जहरीली गैसें निकलती रहती हैं, और तो और ज्वालामुखी भी यहाँ पर एक्टिव रहते हैं। यहाँ पर ये सारी चीजें देखने के बाद आपको जरूर लगता होगा कि ये तो बिल्कुल नर्क ही है, लेकिन फिर भी एडवेंचर के शौकीन लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं, खासकर फोटोग्राफर्स। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप ऐसी खतरनाक जगहों पर ना जाएं। नर्क का दरवाजा, जी हाँ, इस जगह को नर्क का दरवाजा कहते हैं, क्योंकि ये तुर्कमेनिस्तान के दरवाजा नाम के एक गांव के पास स्थित है। इस रेगिस्तान में प्राकृतिक गैस का रिसाव होता था, जिसे दुनिया में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार कहा जाता है। ऐसे में मीथेन गैस के विशाल भंडार का इस्तेमाल करने के लिए सन 1971 में सोवियत संघ के वैज्ञानिकों ने यहाँ ड्रिलिंग की थी। ज्यादा से ज्यादा गैस निकाल कर जमा करने की होड़ में एक दिन यहाँ विस्फोट हुआ, जिससे ये बड़ा क्रेटर बना। साथ ही जहरीली गैस का रिसाव शुरू हो गया। हादसे में कोई घायल नहीं हुआ था। रूसी वैज्ञानिकों ने हादसे के बाद मीथेन गैस को वायुमंडल में फैलने से रोकने के लिए आग लगा दी। उसी समय से ये आग लगातार जल रही है। जिस गड्ढे में आग जल रही है वह 229 फीट चौड़ा है और इसकी गहराई तकरीबन 65 फीट है। इस रेगिस्तान में उठती आग की लपटों को दरवाजा गांव से भी देखा जा सकता है। तुर्कमेनिस्तान में ये आग पिछले 47 सालों से जल रही है। ये राजधानी असगाबाद से 260 किलोमीटर उत्तर में काराकुरम रेगिस्तान के दरवाजा गांव में मौजूद है। डोर टू हेल यानी नर्क का दरवाजा नाम से मशहूर ये गड्ढा दरअसल एक गैस क्रेटर है, जो मीथेन गैस के चलते जल रहा है और अब ये तुर्कमेनिस्तान का मशहूर टूरिस्ट पॉइंट बन चुका है। दोस्तों, कमेंट करके बताएं आपको कौन सी जगह सबसे खतरनाक लगी और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप एडवेंचर, मिस्टीरियस, हॉरर, साइंस एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।